ये देखिए, ये मेरा घर है 7 सेक्टर में चंडीगढ़ में। यहाँ बैठी हूँ मैं, सारे काम मैं फोन पे कर रही हूँ, हर इंसान को मैं मिल रही हूँ। सुबह से 3 ट्वीट्स लगा दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने बकवास करते हुए मेरे बारे में। आप लोग 2 इलेक्शन हार चुके हैं यहाँ पर, फिर भी आप बाज नहीं आए। जब ट्वीट करने का समय था तब तो कुछ ट्वीट करने को था नहीं, और अभी भी कुछ नहीं है, फिर भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। धोखेबाज है सांसद, यहाँ पर है नहीं सांसद, बाहर क्यों नहीं जा रही सांसद, क्या चाहते हैं आप? कि इलेक्शन में तो आप मुझे हरा नहीं पाते, कोरोना हो जाए तो मर जाए अगला, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप समझते हैं? इसीलिए बोल रहे हैं मेरे को कि बाहर नहीं दिखाई दे रही। आपके घर के कितने लोग बाहर दिखाई दे रहे हैं? आपकी मदर्स बाहर जा रही, आपकी वाइफ बाहर जा रही है, आप भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और सिर्फ दिखावे के लिए दिखाने का क्या मतलब है? मुझे तो बंसल साहब भी कहीं नहीं दिखाई दिए, मतलब ऐसे ही खामखा। जिस आदमी ने कभी किचन में चाय नहीं बनाई, वो बड़ी सी कड़छियां लेकर मास्क लगाकर कड़छी हिला रहा है, मानने वाली बात है? सफेद कुर्ता चमक रहा है, जहां पर बेचारे गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, आप लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं वहां पर। किसी को जरूरत है, कोई भूखे हैं, कम से कम उनकी इज्जत रखिए। सिर्फ उनके साथ सेल्फी फोटो खिंचाकर आप अपने अपने फेसबुक पर लगा रहे हैं, ये क्या शोभा देता है? इतना कठिन समय है, इस समय पर हमको ये राजनीति नहीं करनी है, हमें एक्चुअली लोगों के लिए काम करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता के बीच में जाकर खड़े होना है, बिल्कुल नहीं खड़े होना है, ना आपको खड़े होना है, ना मेरे को खड़े होना है, ना ही जनता को बाहर आना है। सबको अपने अपने घर में सुरक्षित बैठना है। वहां पर हमारे सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, हाथ दिखा रही हो, क्या जोक है ये? क्या सफाई कर्मचारियों को अपना काम नहीं आता? आप अभी तक कितनी बार सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर दिखाते रहे हैं उनको कि उनको काम कैसे करना है? हद है ये सारी नाटकबाजी जो आप कर रहे हैं ना, तो इससे अच्छा तो आप लोग बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में होते, ये खत्म हो जाने दीजिए कोरोना वायरस, उसके बाद मैं खुद आपको बॉम्बे ले जाऊंगी और वहां पर आपको एक्टिंग के जॉब दिलवा दूंगी। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिवाय एक्टिंग के और कुछ होता नहीं राजनीति में। आप हमेशा एक्टिंग करते हैं, भले वो कोई कॉरपोरेशन का मामला हो या कोई सीरियस बात हो, जैसे कि कोरोना वायरस, जिसके लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। हाँ, गवर्नर साहब गए होंगे बाहर, हाँ परिडा साहब गए होंगे, जरूर गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी पीछे पीछे बाहर चली जाऊं। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि 60 से ऊपर मेरी उम्र है, मुझे डायबिटीज है और मुझे मना किया गया है बाहर जाने से। तो आप लोग बार बार इस बात को लेकर प्रोवोक क्यों करते हैं? क्या मैं यहाँ पर आपको ये साबित करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं यहाँ हूँ? आप बोलते हैं बॉम्बे में होगी, काश मैं साबित करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं यहाँ हूँ। आप बोलते हैं बॉम्बे में होगी, काश मैं होती बॉम्बे में, क्योंकि मेरी फैमिली वहां है। आप लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ हैं। मैं यहाँ पर 7 सेक्टर में अकेली हूँ, और कैसे जा सकती थी मैं बॉम्बे? फ्लाइटें तो बंद कर दी गई जैसे ही खत्म हुई हमारी पार्लियामेंट। तो आपको क्या लगता है हनुमान जी ने मेरे लिए उड़न कटोला भेजा था कि मेरे को बॉम्बे ले जाते? शर्म करिए, ये घटिया राजनीति करनी बंद कीजिए। एंड आई डोंट नो हु इज राइटिंग योर गाइज ट्वीट्स नाउ, बिकॉज ये आपकी लिखी हुई नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू इवन प्रोबेबली नो व्हाट एब्डिकेटिंग मींस, बिसाइड्स एब्डिकेटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज गुड सिटीजन्स ऑफ द सिटी ऑफ चंडीगढ़ एंड स्टेइंग होम एंड गिविंग पॉजिटिव मैसेजेस ऑन फेसबुक। मेरे को अगर काम है हमारे टिन शेड कॉलोनी में, 52 सेक्टर में, कजेड़ी में, बुड़ैल में, हमारे झारखंड के कुछ लोग फंसे थे, उन लोगों को राशन पहुंचवाया, जिसके लिए मैं पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगी। जो भी यहाँ पर कोई पुलिस लोग घुस रहे हैं कहीं पे, वहां पे पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ रोज, मनोज जी से और डीजीपी से, अपने डीसी साहब से, एमसी से, सबसे बात करती। तो आपको क्या लगता है और मुझे क्या करना चाहिए? ऑर्डर छांटती फिरूं पूरे शहर में, जो काम करना है वो अगर बॉम्बे में करना है या चंडीगढ़ में करना है, करना तो फोन पर ही है, बाहर जाना तो अलाउड नहीं है। तो कम से कम ये बात अब आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको जवाब मैं दूंगी अगली इलेक्शन के वक्त,
पिछली दो में दे चुकी हूँ, अभी तक मजा आया नहीं है आपको, आप फिर कुरेदते हैं। तो अब इस वक्त राजनीति करनी बंद कीजिए, हाथ जोड़कर आपसे मेरी गुजारिश है, और आपने देख लिया ये घर चंडीगढ़ का है, 7 सेक्टर का ये घर है, मैं यहीं पर बैठी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिल लगाइए, और थोड़े विदाउट डूइंग दिस नॉनसेंस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर पे, आप कुछ और काम सोचिए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, लोगों को सहानुभूति दिखा के। हम तो अपना काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं ये आपका जमीर बेहतर जानता है और आप बेहतर जानते हैं।